पिछले 6 महीने में जिस तरह से बीकानेर में आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ एकाएक बढ़ा, उसके बाद में कहीं ना कहीं राज्य सरकार तक भी ये बात पहुंची और हाल ही में जारी हुई आईपीएस तबादला सूची में बीकानेर में पहली बार एक महिला आईपीएस को लगाया गया है। संभवतः बीकानेर के इतिहास में ये पहली बार है आज़ादी के बाद में कि कोई महिला अधिकारी जो है बीकानेर की पुलिस की कप्तानी करेगी। हम बात करते हैं इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहले मैडम आपको बधाई, 6 महीने का जो कहीं ना कहीं सिलसिला जो है आपने फीडबैक भी लिया होगा, किस तरह से देखते हैं, बड़ा चैलेंज है? अभी आज ही ज्वाइन किया है और जो भी जिस तरह की वारदातें यहाँ हो रही हैं, जैसे आप सभी ने अभी बताया कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से इंटर बॉर्डर जो क्राइम्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो क्राइम्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग स्ट्रेटजीज बनाएंगे और एज टीम स्पिरिट इसमें अच्छा काम करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। वुमेन पावर की बात कही जाती है लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति जो है आज भी नहीं होती है। पुलिसिंग में अब कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो देखने को मिला है। एज ए लेडी पुलिस अफसर किस तरह से आपको लगता है सामंजस्य बिठाकर क्राइम कंट्रोल, क्योंकि जिसके लिए आप एक्सपर्ट मानी जाती है, बोल्डनेस की बात भी चर्चा में आती है, उसको लेकर एक टारगेट कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की तरफ से समय समय पर काफ़ी दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से ऑपरेशन आवाज़ पूरे स्टेट में चल रहा है, जिसमें महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को लेकर के अवेयरनेस के लिए जगह जगह मीटिंग्स हमारे पुलिस अधिकारी अन्य एजेंसीज़ के साथ समन्वय स्थापित करके कर रहे हैं। तो ऑपरेशन आवाज़ के तहत हम जगह जगह अवेयरनेस मीटिंग्स को बढ़ाएंगे और प्रॉपर इस तरह से करेंगे कि वो जो एक एज ग्रुप है जो महिलाओं के प्रति कम संवेदनशील है उसको संवेदनशील किया जाए और अपराधों में कमी लाई जाए। जब भी कोई नया एसपी आईजी बीकानेर रेंज में ज्वाइन करता है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं, और फीडबैक भी आता है, बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से लगती सीमा है, तस्करी की बात हो, अवैध जिप्सम की खनन की बात हो, और एक सबसे बड़ा बात हरियाणा और पंजाब के रास्ते जो अवैध शराब है जिसका ट्रांजिट रूट बीकानेर है, उसको लेकर भी पिछले 6 महीनों में महज एक कार्रवाई देखने को मिली। तो इन सबको, क्योंकि नशाखोरी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और बीकानेर में पिछले दिनों में जिस तरह से ऑपरेशन प्रहार जो चला है उसमें भी काफ़ी कार्रवाई हुई सामने आई कि इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं गढ़ बन रहा है और इसी का कारण है कि अवैध हथियार जैसी चीज़ें भी खूब आई है, मिर्ज़ापुर लोग कहने लगे बीकानेर को। देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा श्रीमान डीजीपी साहब के डायरेक्शंस के बाद पूरे स्टेट में कई अभियान चल रहे हैं, जिसमें अवैध फायर आर्म्स के अगेंस्ट भी पिछले कुछ महीनों से पूरे राजस्थान में अभियान चल रहा है और मेरी जानकारी में आया है कि आपके बीकानेर ज़िले में इस अभियान के तहत बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। इसके बावजूद भी यहाँ अगर अवैध हथियारों की इतनी ज़्यादा लोगों के पास मौजूदगी है कि क्राइम हो रहा है, तो इस अभियान को हम और ज़्यादा सघनता से शुरू करेंगे और इसको जैसे मुख्यालय के निर्देश हैं उसके अनुरूप प्रयास करेंगे कि आपके बीकानेर ज़िले में अवैध हथियार लोगों की पहुंच से दूर हो जाएं और उनके उनके पास जो है वो हम सीज कर लें। जी, हमारा प्रयास यही रहेगा। बाकी मेन यही है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग करें, अपराध होने से पहले हम इस तरह की पुलिसिंग दें कि अपराध हो ही ना, लेकिन फिर भी हम जीरो अपराध, जीरो क्राइम की बात नहीं कर सकते, इसलिए अगर अपराध होता भी है तो फिर उसका अर्ली डिटेक्शन हो। पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि 24/7 उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए पुलिस मौजूद है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, पुलिस का आम जनता के साथ सीधा संवाद होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे डीजीपी साहब नियमित रूप से सभी अधिकारियों की जो मीटिंग्स होती हैं और बहुत फ्रिक्वेंट मीटिंग्स होती हैं, उनमें बार बार यही डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि अधिकारी जितना बड़ी रैंक का है उसको पब्लिक के साथ संवाद उतना ही डायरेक्ट होना चाहिए, सीधा संवाद होना चाहिए। तो यहाँ पे रहते हुए ये चीज़ भी हमारी प्राथमिकता में रहेगी कि हमारा पब्लिक से 1-to-1 सीधा संवाद हो, कहीं ऐसी संवादहीनता की स्थिति पैदा नहीं हो। अंतिम सवाल चलते चलते, बीकानेर की जनता को प्रीति चंद्रा का मैसेज? बीकानेर की जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप निश्चिंत रहें, 24/7 पुलिस आपके लिए मौजूद है। यदि आपको किसी बात की हम तक जानकारी पहुँचानी है तो आप मैसेज कर दें हमें, आप हमें गोपनीय एक पत्र लिख सकते हैं, आप हमें आकर बता सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के भय की या किसी भी प्रकार की अनिश्चितता की भावना अपने मन में ना लाएँ, क्योंकि पुलिस 24/7 आपके लिए। ये थी आईपीएस प्रीति चंद्रा, जिन्होंने आज बीकानेर की पुलिस की जो है कप्तान की जिम्मेदारी संभाली है और कहीं ना कहीं पब्लिक को एक मैसेज दिया है कि 24/7 पब्लिक के लिए वो काम करेंगी और पुलिस से आम जनता को भय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपराधियों में भय हो इस तरह का काम बेटर पुलिसिंग के साथ वो बीकानेर में करना चाहेंगे। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।